Hello, my YouTube fam, and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari. लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 89. आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड लीडर. तो मैनेजर क्या कौन होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, समवन हु मैनेजेस द ऑर्गेनाइजेशन. लीडर कौन होता है ये भी अब आपको बहुत अच्छे से पता है, समवन हु इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ योर ग्रुप मेंबर्स. लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं. तो ये जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपको इस वीडियो से आ जाएगी, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना. एंड शुरू करने से पहले स्लोगन बोल दो, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर. देखो मैनेजर कौन होता है, अ मैनेजर इज ऑलवेज अ लीडर एंड अ लीडर मे नॉट बी अ मैनेजर. समझना, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है ये. अ मैनेजर इज अ लीडर बट अ लीडर मे नॉट बी अ मैनेजर. कि हर मैनेजर जो है वो लीडर होता है, लेकिन हर लीडर जो है वो मैनेजर हो ये जरूरी नहीं. कैसे, प्रूफ कर देता हूं. देखो अगर कोई आपको मैनेज कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई आपका सुपीरियर आपका मैनेजर है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो आपको इन्फ्लुएंस भी करेगा, आपके बिहेवियर को आपको गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, सुपरवाइज भी करेगा, गलती करोगे तो डांटेगा भी, ठीक है. लेकिन जो एक लीडर होता है जरूरी नहीं है वो आपको मैनेज कर रहा हो, आपका मैनेजर हो. जैसे एग्जांपल, हो सकता है कि आपका फ्रेंड सर्कल हो और उसमें आपका कोई लीडर हो, ठीक है, तो क्या वो लीडर आपको मैनेज कर रहा है, वो आपका मैनेजर है? नहीं ना. हो सकता है, एनिमल एग्जांपल ही ले लो, लायन जो होता है, हो सकता है एक पैक में लायन लीडर हो, एक ग्रुप में लायन लीडर हो, लेकिन क्या वो लायन मैनेजर भी होगा बाकी सब लायंस का? नहीं ना. सो दैट इज व्हाई अ मैनेजर इज अ लीडर. मैनेजर डेफिनेटली लीडरशिप करता है, पर लीडर जरूरी नहीं है कि वो मैनेजर भी बने. आया समझ में? आपका दोस्त अगर आपके ग्रुप का लीडर है तो वो मैनेजर नहीं है, लेकिन वही अगर आपका जो मैनेजर है ऑफिस में वो डेफिनेटली लीडर है आपका, ठीक है, क्योंकि वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा. देन देखो, द मैनेजर्स हैव फॉर्मल अथॉरिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर. यस एग्जैक्टली. जब भी कोई आपका मैनेजर होगा तो टोटल थिंक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो हायरार्की पे पॉइंट आउट करो, वो आपसे ऊपर होगा, सुपीरियर होगा, तभी तो वो आपका मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन में. उसके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है? फॉर्मल है टोटली, ठीक है. जबकि लीडर्स क्या होते हैं? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों हो सकते हैं. लार्जली लीडर्स इनफॉर्मल होते हैं, ठीक है. अगर कोई नेता है और उसके बहुत सारे पार्टी मेंबर्स हैं, उस नेता जो है उस पार्टी का लीडर है, तो वो इनफॉर्मल होगा, फॉर्मल नहीं होगा. क्यों इनफॉर्मल होगा? क्योंकि उसके साथ अपने पार्टी के लोगों के ट्रस्ट एंड फेथ बना हुआ होगा, ठीक है, और पर्सनल रिलेशनशिप्स होंगे. आज अगर मोदी जी बीजेपी के लीडर हैं या अमित शाह बीजेपी के लीडर है, होम मिनिस्टर है बेसिकली, प्रेसिडेंट है बीजेपी के, तो बेसिकली क्या है वो लीडर हैं. किन लोगों के लीडर्स हैं? अपने पार्टी मेंबर्स के. तो कोई फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है उनका. वो इसलिए लीडर चुने गए हैं बिकॉज बाकी लोग उन पर ट्रस्ट एंड फेथ करते हैं. सो जब बात लीडरशिप की आती है तो पॉइंट ये है कि यहां पे इनफॉर्मल रिलेशनशिप ज्यादा होती है, जब बात मैनेजर की आती है तो फॉर्मल रिलेशनशिप्स होती हैं, ठीक है. देन ऑब्जेक्टिव इज टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. मैनेजर कहां मिलेगा आपको? मैनेजर आपको ऑफिस में मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा. वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में आपसे ऊपर वाली पोजीशन पे होगा, आपका बॉस होगा, ठीक है. सो मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों वो आपको लीड कर रहा है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो सक्सेसफुली अचीव हो जाए, ठीक है. अब बात की जाए लीडर की, तो लीडर आपको क्यों लीड कर रहा है, उसका क्या गोल है? कि सेटिस्फेक्शन ऑफ एवरी ग्रुप मेंबर, की हर एक आदमी का जो उसके ग्रुप में है, जिसको वो लीड कर रहा है, जो उसके फॉलोअर्स हैं, उनको सेटिस्फेक्शन मिले और ग्रुप गोल्स अचीव हो, राइट. अगर आपका दोस्त आपके ग्रुप का लीडर है तो वो ये नहीं चाहता कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो, ऑब्वियसली. वो क्या चाहेगा? कि आप सब उससे सेटिस्फाइड हो और जो भी आपके ग्रुप का गोल है वो अच्छे से अकॉम्प्लिश हो, अचीव हो. आया समझ में? बहुत इजी है ये. देखो नेक्स्ट डिफरेंस, अ मैनेजर एग्जिस्ट ओनली इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. मैंने आपको बताया ना, टोटल फॉर्मल रिलेशनशिप होती है. जब भी मैं बोलूं कि कोई मेरा मैनेजर है तो इसका मतलब ये नहीं है वो मेरा दोस्त है. दोस्त होगा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, बट जब वो मैनेजर है तो टोटल फॉर्मल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है. और जबकि लीडर जो है वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है. क्योंकि फॉर्मल ऐसे हो जाएगा कि आपका मैनेजर भी आपका लीडर ही है. इनफॉर्मल ऐसे हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में जो जिसको आपने लीडर बना रखा है, ग्रुप लीडर, जीएल जिसे बना रखा है ग्रुप लीडर, वो बेसिकली आपका दोस्त है. सो लीडरशिप में फॉर्मैलिटी एंड इनफॉर्मैलिटी दोनों आ जाते हैं, दोनों ऑर्गेनाइजेशन आती है. मैनेजर में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आती है, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओनली.
देन देखो मैनेजर की बात की जाए, अ मैनेजर परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. क्या क्या फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, अब तो जान गए आप. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजर ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. वो प्लानिंग भी करेगा, ऑर्गेनाइजिंग भी करेगा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग भी करेगा. जबकि लीडर क्या करता है, सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म करता है मैनेजमेंट का, दैट इज डायरेक्टिंग. वो सिर्फ आपके बिहेवियर को डायरेक्ट करता है. आया आपको समझ में, आपको सही और गलत काम में डिफरेंस क्रिएट करवाता है. सो आगे आपको आई होप मैनेजर और लीडर में डिफरेंस समझ में. अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि क्यों एक मैनेजर लीडर है पर एक लीडर मैनेजर नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से बता पाओगे. आया आपको समझ में? सो पसंद आ गया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर देना. नहीं आया तो कॉमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट कर देना, रिजोल्यूशन मिल जाएगा. Thank you so much for watching this video and be a very good leader to your group. Okay? Okay, bye bye. Take care.